वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों, अरुणाचल में जब भी मैं आता हूँ तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचलवासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं।